मैं निकला गड लेके और रास्ते पर सड़क में एक मोड़ आया, मैं उतर दिल छोड़ आया। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या चल रहा है भैया? दोस्तों पागल बना चल रहा है, पागल बना, क्योंकि गलत टू बॉक्स ऑफिस में राज करने के लिए आ चुका है सनी देओल सर ने। तो दोस्तों आज बात करेंगे गलत टू मूवी का एडवांस बुकिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रिडिक्शन के बारे में, और बात करेंगे ओएमजी टू मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रिडिक्शन और एडवांस बुकिंग के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं गदर टू मूवी का बॉक्स ऑफिस एडवांस बुकिंग कितना हुआ है। तो दोस्तों अभी तक एडवांस बुकिंग हुआ है विदाउट सीट ब्लॉक 15 करोड़ 50 लाख रुपया एंड विद सीट ब्लॉक 17 करोड़। तो ह्यूज एडवांस बुकिंग हो चुका है डे वन के लिए, सिर्फ और सिर्फ डे वन के लिए। एंड टिकट सोल्ड हुआ है 6 लाख, जिनमें से PVR सिनेपोलिस आईनॉक्स में यानी नेशनल सिनेमा मल्टीप्लेक्स में सीट टिकट बुक हुआ है 2,85,000 टिकट सोल्ड हुआ है, जिनमें PVR में 1 लाख टिकट सोल्ड हुआ है, आईनॉक्स में 85,000 टिकट सोल्ड हुआ है एंड सिनेपोलिस में 75,000 टिकट सोल्ड हुआ है। तो ह्यूज परिमाण टिकट सोल्ड हुआ है नेशनल सिनेमा मल्टीप्लेक्स में। दोस्तों गदर मूवी का जो क्रेज़ है पब्लिक में वो देखने के लायक है, क्योंकि जैसे जैसे एडवांस बुकिंग हो रहा है अभी भी 3 घंटा बाकी है, अभी भी एडवांस बुकिंग होगा, बहुत ज़्यादा होगा इन समय में, लगभग 1 करोड़ और एडवांस बुकिंग हो सकता है। और गदर टू फाइनल एडवांस बुकिंग आ सकता है 16 करोड़ 50 लाख रुपया होगा डे वन के लिए। एंड ये मूवी अपने ओपनिंग डे में लगभग 35 करोड़ प्लस नेट कलेक्शन करेगा इंडिया से एंड ग्रॉस कलेक्शन 45 करोड़ एंड ओवरसीज से 10 करोड़, 55 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करेगा गदर टू मूवी डे वन में। एंड पहला दिन ये ब्लॉकबस्टर का टैग ले चल जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन कर रहा है गदर टू मूवी। सनी देओल सर ने बहुत ही अच्छा काम किया है इस मूवी में एंड अनिल सर ने तो बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया ही दिया है। दोस्तों ये मूवी OMG 2 के साथ क्लास कर रहा है, फिर भी ये मूवी इतना ज़्यादा क्रेज़ इसको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है एंड ये मूवी हो रहा है नॉन ओनली रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा है। इससे पहले किसी मूवी क्लास करके इतना ज़्यादा 35 करोड़ के ऊपर कमाई नहीं किया था। इससे पहले जो मूवी क्लास करके 30 करोड़ के ऊपर कमाई की थी वो थी गोलमाल लेगेन, जो सिगरेट सुपरस्टार के साथ क्लास किया था। तो आप समझ सकते हो गदर टू मूवी का कितना पोटेंशियल है बॉक्स ऑफिस में। तो दोस्तों मैं बता सकता हूँ कि गदर टू मूवी अच्छा हुआ तो, स्क्रिप्ट अच्छा हुआ तो, कंटेंट अच्छा हुआ तो ये मूवी बहुत ही दिन चले गई बॉक्स ऑफिस में एंड बहुत ही अच्छे तरीके से क्लिक करेगी एंड ह्यूज ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। लेकिन ये मूवी का कंटेंट अच्छा नहीं हुआ, ये मूवी अच्छा दर्शक को पसंद नहीं आया तो ये मूवी नहीं चल पाएगी। फिर भी ये मूवी हिट का टैग ले ही जाएगी। किसी भी हालत में गदर टू मूवी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मूवी का बजट एकदम कम है। दोस्तों बात करते हैं गदर टू मूवी का जो शो काउंट कैसा हुआ है। तो देखते हैं, दिल्ली में शो मिला है 955 शो, जहाँ पे 41.5% की ऑक्युपेंसी चल रहा है। मुंबई में 800 शो मिला है, जहाँ पे 22% की ऑक्युपेंसी चल रहा है। पुणे में 340 शो मिला है, जहाँ पे 20% की ऑक्युपेंसी चल रहा है। बेंगलुरु में 189 शो मिला है, जहाँ पे 23% ऑक्युपेंसी चल रहा है। हैदराबाद में 260 शो मिला है, जहाँ पे 21% की ऑक्युपेंसी चल रहा है। कोलकाता में 195 शो मिला है, जहाँ पे 16% की ऑक्युपेंसी चल रहा है। अहमदाबाद में 467 शो मिला है, जहाँ पे 26% ऑक्युपेंसी चल रहा है। आप समझ सकते हो अहमदाबाद जैसा मार्केट जहाँ पे बड़े बड़े मूवी नहीं चलता है, 10% के पास नहीं जाता है, यहाँ पे गदर टू में 26% चल रहा है। तो समझ सकते हो कितना ज़्यादा हाइप है। सूरत में 313 शो मिला है, जहाँ पे 16% ऑक्युपेंसी चल रहा है। जयपुर में 313 शो मिला है, जहाँ पे 15% का ऑक्युपेंसी चल रहा है। लखनऊ में 249 शो मिला है, जहाँ पे 12% का ऑक्युपेंसी चल रहा है। तो क्या जबरदस्त ऑक्युपेंसी चल रहा है, आप समझ सकते हो। गदर टू का ये शो अभी भी फाइनल नहीं हुआ है, कल आते आते ये शो फाइनल हो जाएगा एंड ह्यूज शो मिलने वाला है गदर टू मूवी को। और इंडिपेंडेंस डे के लिए दर्शक की पहला प्रिफरेंस एंड पहला चॉइस है गदर टू मूवी, और कोई मूवी है ही नहीं देखने के लिए। दर्शक लोग सभी लोग गदर टू मूवी को पहला चॉइस हिसाब से रख रहा है एंड पहला प्रिफरेंस। दोस्तों बात करते हैं ओ माय गॉड टू मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रिडिक्शन के बारे में। दोस्तों ओ माय गॉड टू मूवी का हालत अभी भी उतना अच्छा नहीं हुआ, फिर भी कह सकते हो थोड़ा सा बेहतर हुआ है, क्योंकि ये मूवी अब तक लगभग 4 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर चुका है एंड ये मूवी 1,20,000 टिकट सोल्ड कर चुका है। तो इसको एक अच्छा एडवांस बुकिंग बोल सकते हैं आप, क्योंकि OMG 2 मूवी एक ए सर्टिफिकेट मूवी है एंड ये मूवी गदर 2 के साथ क्लास कर रहा है, फिर भी इसको शो काउंट भी बहुत ही कम मिला है, इसलिए ये एडवांस बुकिंग अच्छा माना जाएगा। दोस्तों बात करते हैं OMG 2 मूवी का शो काउंट कैसा हुआ है। देखते दिल्ली एंसर में लगभग 400 शो मिला है, जहाँ पे 10% की ऑक्युपेंसी चल रहा है।
मुंबई में 340 शो मिला है, जहाँ पे 12% की ऑकुपेंसी चल रहा है, तो अच्छा हुआ है, डबल डिजिट में ऑकुपेंसी आया है, तो इसको अच्छा कह सकते हैं। पुणे में 118 शो मिला है, जहाँ पे 11% की ऑकुपेंसी चल रहा है। बेंगलुरु में 57 शो मिला है, जहाँ पे 9% की ऑकुपेंसी चल रहा है। हैदराबाद में 113 शो मिला है, जहाँ पे 10% की ऑकुपेंसी चल रहा है। कोलकाता में 103 शो मिला है, जहाँ पे 9% की ऑकुपेंसी चल रहा है। सूरत में 120 शो मिला है, जहाँ पे 7% की ऑकुपेंसी चल रहा है। तो इसको अच्छा शो काउंट बोल सकते हैं, क्योंकि इसका ओपोनेंट है कि जायंट है, गदर 2 है, इसलिए इसको इस शो का अच्छा कह सकते हैं आप। वो ऐसे ही इसका एडवांस बुकिंग हुआ है, एंड इसलिए ये मूवी का जो डे वन के कलेक्शन आ सकता है वो 4 करोड़ से जो एडवांस बुकिंग हुआ है उससे डबल कर लीजिए आप, 8 करोड़ ज़रूर होगा। ये मूवी यानी OMG 2 मूवी का जो डे वन की कलेक्शन आ सकता है वो है 8 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में, एंड ये मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन होगा डे वन में 12 करोड़ पक्का, ये आप लिख लीजिए। दोस्तों आप कौन सा मूवी देखना चाहेंगे कल, गदर 2 या OMG 2 मूवी, कौन सा एडवांस बुकिंग क्या है आपने, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स।